तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान मोहन मरकाम को सौंप दी गई है। साथ ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। मोहन की मुलाकात पहली बार, आदिवासी नेता अध्यक्ष पहली बार बने थे मोहन मरकाम, और उन्हें प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी गई है। तो बड़ी खबर यही है कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मोहन मरकाम को अब नई जिम्मेदारी दे दी गई है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमाम दिनों से यहां पर अटकलें चल रही थी कि मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अब आज फाइनल डिसीजन हो गया है। मोहन मरकाम छत्तीसगढ़ के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रूपेश, तमाम अटकलों के बाद मोहन मरकाम के नाम पर मोहर लगा दिया राहुल गांधी ने। देखिए, दो ब्रेकिंग खबरें हैं, एक खबर तो आपने बता दी, दूसरी खबर मैं आपको बता दूं। अमरजीत भगत सरकार के मंत्री के रूप में कल शपथ ग्रहण करेंगे, इसकी पुष्टि हो गई है। राजभवन में जो हमारे सूत्र हैं उनको, उनके मुताबिक सूचना राजभवन को दे दी गई है और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें अमरजीत भगत सरकार के 13वें मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है पूरा ये घटनाक्रम, क्योंकि 10 दिन पहले तक अमरजीत भगत के प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा थी, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो चुकी थी और उसके बाद भूपेश बघेल भी मिलके आ गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से टीएन सिंहदेव उनके अगले दिन गए और राहुल गांधी से मुलाकात की, उसके बाद समीकरण बदल गए। और सबसे पहले हम ही ने ये खबर ब्रेक की थी कि जो अमरजीत भगत हैं वो मंत्री बनेंगे, और फिर से हम हमारी खबर सच निकली है और सबसे पहले हम ही जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस पहुंचा रहा है कि अमरजीत भगत कल शपथ ग्रहण करेंगे, और इससे चंद मिनट पहले ये खबर भी ब्रेक हुई है कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम होंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर मिल गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि अब से थोड़ी देर पहले AICC के उस लेटर के जरिए हुई, जिस लेटर के जरिए उनकी नियुक्ति की गई है, और वेणुगोपाल के जो कि इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं AICC के, उनके सिग्नेचर से ये ये लेटर जारी किया गया है। एक महत्वपूर्ण चीज ये समझने वाली बात है कि दो पद बचे हुए थे जो महत्वपूर्ण थे, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी और उसके साथ साथ एक मंत्री की जिम्मेदारी, और भूपेश बघेल ने दोनों पोस्ट पर आदिवासियों को जगह दी है, एक सरगुजा से और दूसरा बस्तर से। सरगुजा की नुमाइंदगी बढ़ गई, अब सरगुजा से 3 मंत्री हैं, अगर टीएस सिंहदेव, प्रेम साय सिंह के बाद अमरजीत भगत, और शुरू में ही मंत्री चूंकि कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के, तो अमरजीत भगत के नाम की चर्चा थी, लेकिन किसी तरीके से वो मंत्री नहीं बन पाए, और अब जबकि मंत्री बनेंगे तो सरगुजा से 3 लोग हो जाएंगे, और उसी तरीके से बस्तर से एक मंत्री कवासी लखमा के रूप में ही रहेंगे। लेकिन ये जरूर है कि प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण औहदे पर बस्तर का रूपेश बने रही हमारे साथ। विकास उपाध्याय कांग्रेस विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास जी, स्वागत है आपका। नमस्कार भैया। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं मोहन मरकाम, क्या कुछ कहना चाहेंगे विकास जी? देखिए, कांग्रेस की लीडरशिप और स्टेट की लीडरशिप और देश की लीडरशिप में ऐसे नेता को कांग्रेस का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जिसकी अपनी खुद की जमीन है और दूसरी बार विधानसभा में विधायक हैं, और जिस प्रकार से सरलता, सज्जनता और संगठन को जैसे लेकर चलने वाली स्थिति मोहन मरकाम जी ने जो देखने को मिलती है, मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना भी चाहता हूँ कांग्रेस लीडरशिप को, एक परिपक्व विकास जी, कई दिनों से अटकलें चल रही थी, मोहन मरकाम का नाम चल रहा था, चर्चा में था, सूबे के तमाम मंत्री जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से चर्चा भी चल रही थी, लेकिन आखिर इतनी देरी कैसे हुई इस घोषणा में? देखिए, बड़ा फैसला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बड़ा फैसला होता है। इस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने इस प्रदेश में 6 साल रहकर इस प्रदेश को कहां से तक ले जाने का काम किया, अब आने वाला जो जिम्मेदार या जवाबदार व्यक्ति कमान किसके हाथ में सौंपनी है, जो सबको लेकर साथ में चले, जो कार्यकर्ता की अहमियत को समझे, जो कार्यकर्ता नेता बनता है वो कार्यकर्ता की अहमियत को समझता है। पहले भूपेश बघेल जी ने इस कमान को संभाल कर कार्यकर्ता के रूप में काम किया और आज जहाँ पर पहुंचे हैं, उसी प्रकार मोहन मरकाम जी एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी कमान को संभाली है और आज पूरे प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में निकली। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। रूपेश गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता रायपुर से
फोन लाइन पर बने हुए हैं। रुपेश अमरजीत भगत कल मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, क्या कुछ तैयारी है? रुपेश आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है कि तक तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष की कमान मोहन मरकाम को सौंप दी गई है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को बनाया गया है। राहुल गांधी से चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है और साथ ही अमरजीत भगत सरकार के मंत्री के रूप में कल शपथ लेंगे। तो 13वें मंत्री के रूप में अमरजीत भगत कल शपथ लेने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी हो गई है। दो बड़ी खबरें हैं छत्तीसगढ़ से, जहां मोहन मरकाम को छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, तो वहीं अमरजीत भगत को सरकार में मंत्री कल बनाया जाएगा। 13वें मंत्री के रूप में वे शपथ लेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मोहन मरकाम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रूपेश गुप्ता एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रूपेश, अमरजीत भगत सरकार के 13वें मंत्री के रूप में कल शपथ लेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, राजभवन को फिलहाल सूचना दे दी गई है और चूंकि एक ही मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा तैयारी नहीं है। सामान्य तरीके से कार्यक्रम होगा जिसमें कि अमरजीत भगत सरकार के 13वें मंत्री के रूप में, अगर मुख्यमंत्री को भी शामिल कर दिया जाए जो कि मैक्सिमम कोटा है छत्तीसगढ़ का, उसमें वो शपथ ग्रहण करेंगे। जी बिल्कुल रूपेश, और बड़ा सवाल ये है कि स्वराज एक्सप्रेस लगातार इस खबर को दिखाता भी आ रहा था, बताता भी आ रहा था कि अंदेशा लगा दिया था। सबसे पहले भी हमने ब्रेक किया था, आज से 10 दिन पहले जिक्र भी हो रहा था। हम चाहेंगे कि मोहन मरकाम के बारे में आप बताएं दर्शकों को कि आखिर इनके नाम पर कैसे सहमति बनी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है, तो उससे क्या उसका निर्वहन मोहन मरकाम कर पाएंगे? जो भूमिका भूपेश बघेल बतौर प्रदेश अध्यक्ष निभा चुके हैं, क्या उस पर खरे उतर पाएंगे? किस तरह से इनकी पारी की शुरुआत देखने को मिल सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब 2013 में पहली बार मोहन मरकाम चुनाव जीते थे तो उन्होंने मंत्री को हराया था, और वो भी कद्दावर मंत्री जिनके बारे में चर्चा थी कि 2011 और 12 में उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को ये कहा गया कि वो अब अपने पद से इस्तीफा दे दें। एक घटनाक्रम ऐसा हुआ था तो लता उसेंडी उनसे पूछी गई थी कि चॉइस कौन होगी, किसको आप सीएम बनाना चाहेंगे, तो रमन सिंह ने कहा था कि लता उसेंडी को मंत्री बना दीजिए, और उसी लता उसेंडी को चुनाव में पटकनी दी मोहन मरकाम ने। मोहन मरकाम का ये चुनाव बेहद दिलचस्प था क्योंकि 5 साल तक एक LIC एजेंट के रूप में काम करने के बाद 5 साल तक लगातार उन्होंने साइकिल से पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया और वहां से चुनाव कोंडा गांव से लता उसेंडी को हराया, फिर से 2018 में हराया। ये बहुत दिलचस्प है कि जमीन से उठे हुए नेता हैं मोहन मरकाम, इनके पास कोई बहुत पारिवारिक विरासत नहीं है, कोई बहुत संपन्न व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वो अपने आप में अद्वितीय है। बेहद विनम्र स्वभाव के हैं, कभी किसी ने इनको आज तक गुस्से में नहीं देखा है। तो जो भूपेश बघेल की पर्सनालिटी थी, जो उनका व्यक्तित्व था, अमरजीत भगत उसके मोहन मरकाम उसके ठीक उलट हैं, एकदम कूल हैं, सामान्य हैं, सबसे सामंजस्य से बैठा करके काम करते हैं और सबकी बात सुनते हैं, ये सबसे अच्छी बात होगी। उनके नाम का विरोध मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंड से हो सकता है, क्योंकि जब भूपेश बघेल को अध्यक्ष बनाया गया था उसी दिन से अजीत जोगी, जबकि कांग्रेस में थे, विरोध शुरू हो गया था उनका। लेकिन मोहन मरकाम के साथ ये स्थितियां नहीं है, क्योंकि एक तरफ TS सिंहदेव को साधते हैं और दूसरी तरफ भूपेश बघेल को भी साथ लेते हैं, तो दोनों तरफ उनका बराबर का टेंशन है और दोनों ही खेमे में, जो मुख्य खेमे माने जाते हैं आज की तारीख में कांग्रेस के अंदर, बहुत अच्छे उनके प्रगाढ़ रिलेशन है। बिल्कुल, और साथ ही रूपेश जी, अगर हम बात करें मोहन मरकाम की और फिर अगर हम छत्तीसगढ़ के सिनेरियो की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बहुलता आदिवासियों की छत्तीसगढ़ में है, और जिस तरह से मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि एक तरह से ये ना कहा जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव और फिर जिस तरह से जो भविष्य में अब जो चुनाव होना है लोकसभा का भी, उसको मद्देनजर रखते हुए आदिवासी नेता को ही एक वोट बैंक को साधने के लिए ही इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है।
देखिए आदिवासियों की जितनी सीटें थी उनमें से दो या तीन सीटों को छोड़ दें तो सारी सीटें आदिवासी सीटों पर कांग्रेस जीती थी। लिहाजा कांग्रेस का बहुत आदिवासियों की ये डिमांड भी थी कि कम से कम पांच या चार मंत्री बनाए जाए, लेकिन अब ये प्रदेश अध्यक्ष बना करके और जिस तरीके से मंत्री बनाया गया है अमरजीत भगत को, उससे साफ है कि अब उनकी जो मांग है करीब करीब वो पूरी कर दी गई है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत किसी भी मंत्री से कमतर नहीं होगी। बिल्कुल, संगठन के सारे फैसले वो करेगा, लेकिन सरकार में नंबर वन भूपेश बघेल ही रहेंगे, संगठन में उन्हीं की चलेगी ये भी तय है, कहा ये भी जा रहा है कि इसीलिए देखने वाली बात ये भी रहेगी कि किस तरह से, बाकी मैं रूपेश जी देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ने मोहन मरकाम को छत्तीसगढ़ का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अभी तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश की जा रही थी। बीते दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से दो बार के विधायक मोहन मरकाम और वरिष्ठ आदिवासी विधायक मनोज मंजावी ने मुलाकात की थी। माना जा रहा था कि इन दोनों नेताओं में से किसी एक को ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल सकती है और यहाँ पे मोहन मरकाम बाजी मार गए। रुके बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए।